आज के हमारी इस क्लासेस में हम एरे के कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। हमने कल एरे फॉर्मूला के कंसेप्ट को पढ़ा था कि उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे है, और हम आपके साथ एरे के कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स को देखेंगे जिससे एरे को और ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा कि आखिर एरे का यूज करने का पर्पस क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है, राइट? तो हमने आपको बुक दिया था, मैं उसी बुक को रेफर कर रहा हूं। इस बुक में सर है काउंटिंग द करेक्टर इन द रेंज। एक रेंज में करेक्टर, एक रेंज में कुछ नाम लिखे हुए हैं, उसमें उसका टोटल करेक्टर कितना है। जैसे मान लीजिए इन सबको मुझे एक सेल के अंदर कोमा कोमा करके रखना है, तो मुझे इसको करने से पहले ये चेक करना होगा कि इसकी करेक्टर सेल की लिमिट से ऊपर तो नहीं है। तो कैसे करेंगे इसके लिए? तो अगर हम मैनुअली करें तो हमें लेन का फॉर्मूला लगाना होगा, और लेन का फॉर्मूला को फिर नीचे तक ड्रैग करेंगे और फिर इसको हम सम करेंगे। ये हो गया मैनुअल कंसेप्ट। हम एरे में क्या करेंगे? देखिए, हम एरे में यहीं पे सम, यहीं पे लेन और एक साथ हम इसको दे रहे हैं। फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा तो आपके सामने 88 आ गया। तो ये कैसे वर्क किया एक बार देख लीजिए ताकि समझेंगे। जो लेन यहां डिफरेंट डिफरेंट किया था, ये यहीं पे आपको एक साथ कर दिया और सब ने इसका टोटल कर दिया। तो हमने एक एग्जांपल काउंटिंग द करेक्टर इन द रेंज, इसको हमने देखा, राइट सर? विदाउट सर इसमें अब यहां ये हमारा पहला एग्जांपल था। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल कहता है जैसे कि यहां पे हमारे पास सेल्स है, सेल्स में हम कुछ वैल्यू यहां पे डालते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, 1 2 3 हम करते हैं स्मॉल का। स्मॉल फॉर्मूला क्या करता है कि इस रेंज में से इसको ढूंढता और बताता है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो स्मॉल फॉर्मूला, जैसे मिड फॉर्मूला क्या करता है कि मिनिमम, मिन फॉर्मूला मिनिमम दिखाता है, ऐसे ये भी आपका मिनिमम देगा, लेकिन कौन सा? पहला मिनिमम, दूसरा मिनिमम, तीसरा मिनिमम। तो मुझे यही पे इसका सम करते हैं। क्लास 3 का सम हमारे पास आ गया 87, लेकिन मुझे इसे एक सेल पे करना है, एक सेल पे यहां। तो इसके लिए हम लिखेंगे सम स्मॉल और हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट में देंगे 1,2,3 और फिर एंटर। आपके सामने रिजल्ट आएगा। आप बोलेंगे सर इस पर आपने एंटर क्यों मारा, आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्यों नहीं मारा? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने फॉर्मूले में ही कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अगर फॉर्मूले में कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना होगा। तो फॉर्मूला एवेलेट कीजिए, रिटर्न आ गया। लेकिन मान लीजिए मुझे इसमें से टॉप 5 करने हैं, 5 को करना है, तो मुझे 1 2 3 4 5 या 15 या 20 या 50 करोड़ तो करने पड़ेंगे। तो मैं यहीं पे स्मॉल फॉर्मूले लगाता हूं और इसी में मैं रो फॉर्मूले में 1 से लेके 5 देता हूं। अब मुझे इस पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने होंगे, यहाँ कॉमा नहीं होगा, 1 से 5 होगा, इस तरह सेमी कॉलन होगा। कैसे हुआ? तो रो फॉर्मूला ने क्या किया, 1 से लेके 5 तक ये टूट गया। जो हम कर्ली ब्रैकेट में नॉर्मली जनरली देते हैं, ये 2 ही काम हो गया।
ठीक है सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे टॉप, टॉप नहीं बॉटम ना, बॉटम मैं यहां पे 5 लिखू तो 5 6 लिखू 6, तो मैं इसमें रो मैनुअली नहीं लिखना चाहता, मैं इसके साथ इसको कनेक्ट करना चाहता हूं। तो सम स्मॉल, और हम डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें हमें रो फॉर्मूला देना है, रो फॉर्मूला। बट रो फॉर्मूला में मैं मैनुअली 1 से लेके इस 5 को कनेक्ट कर देता हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि कॉन्कैटेनेट हुआ, रो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रो को रेफरेंस चाहिए, लेकिन ये हो जाएगा टेक्स्ट। तो कल की क्लास में हमने बताया था कि इसके लिए हमने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया था, इनडायरेक्ट, और हमने इसको यहां से क्लोज किया और फिर कंट्रोल शिफ्ट, अब इससे कनेक्टेड हो गया। मैं 6 करूंगा तो 6 का आएगा, 4 करूंगा तो 4 का आएगा। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, एवलेट फॉर्मूला में आप देखिए यहां पे, ये पहले से कॉनकेटेनेट हुआ 1 2 4, इनडायरेक्ट ने इसको कन्वर्ट किया 1 से 4 में, फिर रो 1 से 4 तक टूटा और फिर स्मॉल लूप चला और 4 रिजल्ट दिया, फिर सम ने इन चारों को सम कर दिया। तो दीपक जी, विजय जी, विशाल जी, समझ में आ रहा है आपको? जी सर, ओके, अब चलिए बुक के अकॉर्डिंग, बुक में भी यही चीज यहां पे समझाया हुआ है जो आप देख रहे हैं। अब एक यहां पे आता है कि काउंटिंग टेक्स्ट, कि काउंटिंग टेक्स्ट सेल इन द रेंज, सेल टेक्स्ट मतलब कि हमने यहां पे कुछ रेंज दिया हुआ है, और बीच बीच में हम यहां पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, कुछ टेक्स्ट हमने दे दिया हुआ है। मुझे काउंट करना है कि इसमें टेक्स्ट कितना है, टेक्स्ट कितने हैं या नंबर कितने। तो नंबर के लिए तो हम सिंपली यहां लगा सकते हैं काउंट का फॉर्मूला। काउंट का फॉर्मूला जस्ट काउंट नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को इग्नोर करता है। और मुझे काउंट ए का फॉर्मूला है, काउंट ए का फॉर्मूला नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। तो कितने टेक्स्ट हुए, तो काउंट ए माइनस काउंट कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ये तो नॉर्मल वे हुआ। हम एरे से कैसे करेंगे, एरे से हम लिखेंगे सम, सम में देंगे इफ, इफ में देंगे इज टेक्स्ट, और फिर हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पे comma 1 comma 0, कंट्रोल शिफ्ट एन आ रहा है। अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है देखिए, इस टेक्स्ट ने पूरे एरिया में, इसमें आपको इफ का समझ में आएगा कि इफ हम एरे में कैसे यूज करते हैं। इस टेक्स्ट ने A46 से F56 में टोटल में दिखा दिया कि कौन कौन से ट्रू है। देखिए यहां पे ट्रू आया, जो जो टेक्स्ट है उसके जगह पे उसने ट्रू लिखा हुआ दे दिया। और इफ ने क्या किया कि जहां जहां ट्रू था वहां वहां 1 दे दिया, और जहां जहां फॉल्स था वहां वहां 0 दे दिया। अब सम को तो 0 का मतलब नहीं, जितने भी 1 है उन सारे 1 को सम करके यहां पे रिजल्ट दे दिया। दीपक जी, समझ में आया आपको? जी सर, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला, ये तो बाकी सब फॉर्मूले, अब जैसे कि कुछ फॉर्मूले हैं जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं, जैसे कि यहां देखिए,
यहाँ पे एक आपका दिया हुआ है स्टूडेंट प्री टेस्ट पोस्टेड और चेंज, इनका एवरेज यहां निकला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए कि नेम क्वांटिटी और यहां पे हमारा एमआरपी है, तो मुझे इसमें मान लीजिए कि सम चाहिए अमाउंट का, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सम हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय इसको सिलेक्ट कर रिजल्ट आपके यहां पे कंट्रोल से एंटर करेंगे, मतलब कि हमें अमाउंट मल्टीप्लाई करने की जरूरत यहां पे नहीं है। उसी तरह से मुझे एवरेज चाहिए तो मैं यहां पे एवरेज का फॉर्मूला लगा लूंगा और एवरेज की ही फॉर्मूले में बोलूंगा कि भाई इसको लें और मल्टीप्लाई बाय इसको कर दें, फिर कंट्रोल सेफ्ट एंटर करूंगा तो मुझे इसका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप एवरेज सम काउंट मैक्स मिनिमम सब निकाल सकते हैं, फॉर्मूले के अंदर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पे मिन मैक्स दिया हुआ है, इसको ट्राई कर लें। और ये तो चीज मैंने बताई था आपको कि हम फॉर्मूले के अंदर ही अपना डेटा रख देंगे और इसको हमने यूज भी किया था, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ, अब दूसरा चैप्टर है कि परफॉर्मिंग मैजिक विद एरे फॉर्मूला। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले वगैरह हैं, उसको एक बार चलिए देखते हैं। जैसे कि यहां पर मान लीजिए कि एवरेज, यहां पे मुझे कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए यहां पे अमाउंट दिया हुआ है और यहां पे क्वांटिटी दिया हुआ है, तो मुझे रेट निकालना है। इसमें क्या है कि मेरे पास कुछ में डेटा है कुछ में डेटा नहीं है, हमने क्या किया कि इसको मल्टी डिवाइड कर दिया, इससे रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, लेकिन जो ब्लैंक थे उसमें एरर आ रहा है। तो अगर मैं इसका टोटल निकालूं तो सम मुझे नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, सम एवरेज वगैरह नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले का इनपुट अगर एरर है तो नहीं दिखेगा। तो 2016 से पहले 2016 में तुम्हारे पास आ गया है एग्रीगेट का फॉर्मूला, जिसमें हम सम करना है तो सम को सिलेक्ट कर लेंगे 9, और इसमें इग्नोर क्या करना है तो हमने बोला कि इग्नोर एरर वैल्यू और फिर इसको सम कर लेंगे, तो एरर को इग्नोर करके आपको सम दे देगा। लेकिन 2016 में है, लेकिन इससे पहले लोअर वर्जन में नहीं था, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, उस केस में हम लोग एरर यूज करते थे। तो यहां लिखते थे कि सम एरर, इसको सिलेक्ट करते थे एंड कॉमा 0 और फिर कंट्रोल शिफ्ट, तो रिजल्ट आता था। कैसे आता था, यहां आता था आपको, इसके फॉर्मूला में जाइए, फॉर्मूला को एवलेट कीजिए तो समझ में आएगा कि वह कैसे हो रहा है। तो इफ एरर ने जहां जहां एरर था वहां वहां उसने 0 दे दिया और जहां पे नंबर थे वहां पे इसने दिखाया, रिजल्ट दिखा दिया। यही चीज यहां पे भी बताया गया है कि हम इफ एरर लगा लें या एग्रीगेट लगा लें या इफ और इज एरर लगा लें।
ये आपका जो लार्ज वाला स्मॉल वाला एग्जांपल दिया था, ये स्मॉल वाला एग्जांपल है। अब यहां पे देखिए कंप्यूटिंग एन एवरेज दैट एवलेट जीरो, जैसे कि अगर हम यहां पे एक एग्जांपल और है आपके पास, कुछ नंबर्स देते हैं और मुझे इसका एवरेज निकालना है और नंबर में जीरो है तो एवरेज इसको भी कैलकुलेट कर लेता है, इसको भी कैलकुलेट कर लेता है। देखिए चेंज हो रहा है ना, तो मैं चाहता हूं जीरो को कैलकुलेट ना करे। तो यहां एग्रीगेट फॉर्मूले में आई थिंक ऐसा है कि हमने एवरेज निकालना है ना, एवरेज इग्नोर क्या करना है, नहीं इसमें जीरो का ऑप्शन नहीं है कि इग्नोर जीरो, तो एग्रीगेट वर्क नहीं करेगा। तो यहां पे मैं इक्वल एवरेज, और एवरेज में हम देंगे इफ का फॉर्मूला, इफ दैट इज इक्वल टू जीरो तो माफ कीजिएगा नॉट इक्वल टू जीरो इसको दे, बाकी को छोड़ दिया ताकि ये फॉल्स हो जाए। कॉमा नहीं देना चाहिए था ना, शायद सर आ गया, क्यों, क्योंकि यहां एग्रीगेट में हमने एवरेज बताया कि इफ नॉट इक्वल टू जीरो तो जहां पे ट्रू आया वहां पे रिजल्ट डाल दिया, जहां पे फॉल्स आया फॉल्स, और एवरेज हमारा फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है। तो यहां पे आपके सामने इसका रिजल्ट, हमने आपको पेज नंबर 1 3 5 3 9 5 तक बता दिया। अब इसके आगे जो है आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एरे की एक और क्लास रह गई है जो कि हम आपको कल कराएंगे, फिर एरे हमारा खत्म हो जाएगा और कल हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि एरे कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है, तो एरे फॉर्मूला लगाने का तरीका है। अगर एरे को समझना है तो एक एग्जांपल काफी है, या समझ भी नहीं आया तो 100 एग्जांपल भी कम है, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा।